बता दो यशराब कौन सी है जिसे पी के सारी दुनिया दरबार की जय। कृष्ण श्रीनिवासी भगवान तेरी सदा ही जय। बोल जय तारा बोल तेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्रीनिवासी भगवान तेरी सदा ही जय। बोल जय तारा बोल तेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्रीनिवासी निवासी भगवान तेरी सदा ही जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्रीनंगी निवासी भगवान तेरी सदा ही जय। हारा वाले नो देवो आज बधाया। 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 नंगली वाले नो देवो आज बधाया। नंगली वाले नो देवो आज बधाया। हारा वाले Thank you.
साची दरबार की जय। बोलो शिरनंगली निवासी भगवान तेरी सदा की जय। बोलो साची दरबार की जय। बोलो शिरनंगली निवासी भगवान तेरी सदा की जय। मेरा फूलदा सोने पालने देवी राम मेरा
श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान ते सदा ही महेश जिनके सिमरन मात्र से नाश सभी कलेश। दाता अपने रंग में चुनरी देव भिगोए सेवा और सिमरन करो बल बुद्धि आपा खोए। भरी सभा में राख ली द्रुपद सुता की लाज विष से अमृत कर दियो भक्तों के सिर ताज। मैं याचक तेरे द्वार पर खड़ी झोली पसार करके कृपा दीजिए भक्ति रतन भंडार। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु पूर्ण काम तेरे चरणों में प्रभु मेरा बार बार प्रणाम। तेरे चरणों में प्रभु मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान ते सदा ही जय। गुरुमुख और प्रेमियों, आज परम आराध्य देव हृदय सम्राट आध्यात्मिक सम्राट श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का पावन अवतरण दिवस, साथ ही साथ श्री राम भगवान का भी आज अवतरण दिवस। क्योंकि जब जो धर्म की हानि होती है अधर्म और पाप बढ़ता है तब तब प्रभु किसी न किसी रूप में अवतार धारण करते हैं और भक्तों की पीड़ा का हरण करते हैं। रामायण में भी कहते हैं जब जब हुए धर्म की हानि वाणी ही असुर अधम अभिमानी तब तब धर प्रभु विभुत शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है धर्म बढ़ता है पाप बढ़ता है तब तब प्रभु ईश्वरी सत्ता निराकार से साकार रूप धारण करके जगत में प्रकट होती है। क्योंकि अगर प्रभु संसार में ना प्रकट हुए किसी भी रूप में तो जीवों को सुख नहीं मिलता शांति नहीं मिलती। क्योंकि जब जीव दुखी होते हैं अधर्म में पाप में तो प्रभु अवतार धारण करते हैं। इसी तरह जब हृदय में प्रभु विराजमान हो जाते हैं तो मन के सारे पाप दूर भाग जाते हैं जीव निष्पाप हो जाता है धर्मी हो जाता है। क्योंकि हृदय में राम का राज्य हो जाए। कहते हैं जब श्री राम जी का राज्य था तो सभी लोग सुखी थे किसी को भी दैहिक दैविक कोई रोग नहीं सताते थे भौतिक और सब शांत थे सब हरी हरी राम राम गुणों का गायन करते थे और सभी एक साथ रहते। इसी तरह जब प्रभु हृदय में आन विराजते हैं तो जीव के अवगुणों का निष्कासन हो जाता है सत्य की ओर जीव बढ़ता है अधर्म और पाप का निवारण होता चला जाता है। क्योंकि अधर्म में जीव दुखी होता है सत्य और धर्म में जीव सुखी होता है। अधर्म जब होता है मन में पाप होता है तो जीवन की क्रियाएं भी पाप में हो जाती हैं।
जीवन दुखी हो जाता है क्योंकि सत्य सुख देने वाला होता है। सत्य के समान कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि हम सत्य बोलें, कई बार सत्य बोलने में भी असत्य हो जाता है, क्योंकि ये प्रभु जाने सत्य क्या है और असत्य क्या है। और कुदरत वाला राम भक्तों के जीवन में स्पष्टीकरण करता चला जाता है, उसको जीवन में दिशा दर्शन करता है, अंतर ही अंतर में बैठा समझाता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। जिसे संसार वाले गलत कहते हैं, कई बार वो ठीक भी होता है, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों को सदा सत्य मार्ग दर्शाया करते हैं। तो इस तरह जीवन में धर्म और सत्य को लेकर चलना केवल गुरु कृपा से ही हो सकता है। जीव अपने आप चाहे कि मैं सत्य को अर्जित कर लूं, धर्मी बन जाऊं, पुण्यवान बन जाऊं, मैं पापी ना बनूं, अधर्मी ना बनूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। साधु संगत में सदगुरु देव ही जीव को दिशा का दर्शन करते हैं कि किन रास्ते पर चलकर, किस रास्ते पर चलकर जीव के अवगुणों का नाश होता है। कहते हैं, गुरुमुख वचन प्रतीत कर हर्ष शोक बिसराए है, दया क्षमा सत शील गए अमर लोक को जाए। कहते हैं कि गुरु महाराज जी के वचन पर विश्वास करो, हर्ष और शोक को विसार दो, जब गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करके चलते हैं तो तभी गुणों का अंतर में विकास होता है। कहते हैं दया क्षमा सत्य और शीलता को ग्रहण करो, अपने सही मार्ग पर चलते चले जाओ। ऐसा जीव आगे धर्म मार्ग पर आगे बढ़ता है, क्योंकि भगवान की भक्ति गुणों से होती है और सद्गुण सद्गुरुदेव की कृपा से ही हम हासिल कर पाते हैं, क्योंकि भक्ति रतन अनमोल हैं, कहीं बाजार से नहीं मिलते। चाहे कुछ भी दे दिया जाए, लेकिन जो अंतरात्मा का सुख है, सब कुछ लुटा देने के बाद भी नहीं मिलता। अंतरात्मा का सुख तो त्याग में और सद्गुरुदेव की आज्ञा में बंध कर जब कोई जीव कर्म करता हुआ आगे बढ़ता है अपने मार्ग पर, तो अंतर में अपने आप ही सुख उपजता है, क्योंकि सुख अंतर ही है। जब अधर्म पाप कम हो जाता है, जीव निष्कासन कर देता है पापों का, तो सुख प्राप्त होता है। तो आज के दिन श्री परमहंस महाराज जी का अवतरण हुआ, श्री राम भगवान भी आज के दिन ही संसार में प्रकट हुआ। हम सब का कितना औभाग्य है जो हमें श्री गुरु महाराज जी की शरण प्राप्त हुई। धन्य हैं गुरु महाराज जी जिन्होंने हम पामर जीवों के लिए संसार में अवतार धारण किया, अनेक अनेक मुश्किलों को सहन किया, जगह जगह पर विचरे। श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी कहते हैं, 14 साल तक आगरा में तपस्या की। जब टेहरी के पर्वतों में तपस्या करते हैं करते थे तो कहते हैं खाना नहीं खाते थे। जब कभी इच्छा होती थी तो लोगों के घरों में मांगने के लिए चले जाते, फिर ये पता नहीं होता था कि ये एक घर से मांग रहे हैं, फिर कहाँ जाकर खड़े होंगे। तो सब लोग जो वहाँ के रहने वाले थे अपना भाग्य सराहते थे जिसके घर श्री गुरु महाराज जी चले जाते। कहते हैं एक दिन श्री गुरु महाराज जी जब गए भोजन लेने के लिए तो कोई भक्त ने देखा गुरु महाराज जी आ रहे हैं, झट से अपनी धर्म पत्नी से कहा जल्दी ले आओ भोजन, क्योंकि गुरु महाराज जी रोटी का चौथा हिस्सा लेते थे, सब्जी नहीं लेते थे। जब उन्होंने रोटी लाई तो प्रार्थना की गुरु महाराज जी आप थोड़ी सब्जी भी ले लीजिए। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं हमें श्री परमहंस महाराज जी की आज्ञा नहीं है। जब उस व्यक्ति ने श्री गुरु महाराज जी को दर्शन किए तो गुरु महाराज जी की वेशभूषा बड़ी अजीब थी। कहते हैं
कॉलर भी नहीं था कमीज में और सलवार के पहुंचे फटे थे, बाल बड़े हुए थे। तो उस वक्त ने प्रार्थना की, गुरु महाराज जी आपने बड़ी तपस्या कर ली, श्री परमहंस महाराज जी से प्रार्थना कीजिए कि अब आपको वो संन्यास भेज दे दें। तो इस तरह बड़े बड़े संत महापुरुष भी मर्यादा का पालन करते हैं, मर्यादा से बाहर समुद्र भी नहीं जाता, वो भी किनारों के अंदर रहता है। इसी तरह जो संत महापुरुष हैं मर्यादा पालन करके चलते हैं, जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद कैसे गया पढ़ता है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसी तरह संत महापुरुष जगत में अवतार लेकर जीवों को भला करने के लिए बड़ी विकट परिस्थितियों से गुजर कर भी कलियुग की पापी जीवों का उद्धार किया श्री गुरु महाराज जी ने। तो इस शुभ अवसर पर श्री गुरु महाराज जी को बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्होंने हम सबको किनारा दिखाया, अपने शरण में लिया और हमारे साथ साथ रहकर सदा पथ पर दर्शन करते रहते हैं और सदा हम सब के शीश पर उनका हाथ है। मैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज जी आज तो आपका रहमतों का दरबार खुला है, किसी के घर त्योहार होता है तो आपे से बाहर हो जाते हैं, श्री गुरु महाराज जी दया करके आज हम सब की झोलियों में भक्ति रतन नाम धन अपने चरणों का प्यार दीजिए जिससे हम सब का जीवन सार्थक हो जाए। बोलो जय कर महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान तेरी सदा। बोलो श्री निवासी भगवान के दर्शन।
तो
कर्म का और फेरियां संत सदगुरुदेव का अवतरण इस संसार में जीवों को कल्याण की दिशा दर्शाने के लिए बताए। वैसे तो महापुरुषों ने अवतार के चार कारण बतलाए हैं। प्रभु वो परम ज्योति परमात्म तत्व इस जगत में चार उद्देश्यों से प्रकट होते हैं। एक होता है आदेश अवतार। आदेश अवतार कहते हैं जब कोई दुष्ट किसी राम भक्त को सताया करता है तो प्रभु आवेश में आ जाते हैं। जब कोई सीमाओं को लांघ जाता है तो प्रभु आवेश में आ जाते हैं और आवेश से प्रकट होकर उस दुष्ट को नष्ट करते हैं अथवा उससे उसे रोकते हैं उस अपराध को करने के लिए। जैसे श्री भगवान का विशाल अवतार है नरसिंह रूप, क्योंकि जब सीमाओं को लाम गए हरणाकश्यप प्रहलाद को दुख देते देते तब भगवान आवेश में आकर प्रकट होते हैं और वो हरणाकश्यप का अंत करते हैं, प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। इसे आवेश अवतार कहते हैं। दूसरा अवतार प्रवेश अवतार होता है। जैसी साड़ियों में प्रभु प्रकट हो गए, साड़ियों के रूप में प्रकट हुए, तो ये प्रवेश अवतार है और वो चीज बढ़ता और बढ़ता चला गया, कम ही नहीं होता है। दुशासन चीर खींच खींच कर हार जाता है परंतु चीर समाप्त नहीं होता। तो ये प्रवेश अवतार है उस प्रभु का। तीसरा अवतार होता है निमित्त अवतार। किस कारण या कार्य के निमित्त प्रभु इस जगत में प्रकट होते हैं और वो निमित्त पूरा होने पर, वो कार्य पूरा होने पर प्रभु का वह रूप अलोप हो जाता है। जैसे मत्स्य अवतार प्रभु ने लिया राजा सत्यव्रत के लिए, उसके मन का गर्व निष्कासन करने के लिए प्रभु को मत्स्य अवतार धारण करना पड़ा। क्योंकि वो कहते थे राजा सत्यव्रत, मैं अपने महलों में लाखों लोगों को आश्रय दे सकता हूँ, भगवान का भक्त जब भूल जाता है तब भगवान उसका मार्गदर्शन करते हैं। जैसे गए तो डॉक्टर रोगी का इलाज करते हैं, इसी तरह से कुदरत वाला सब कुछ चेक करता रहता है। वैसे तो सृष्टि में हर जीव जंतु को प्रभु चेक करते हैं, परंतु विशेष दया उस राम के राम भक्तों पर होती है, क्योंकि उनके जीवन का उत्थान करके उन्हें मोक्षधन प्रदान करना होता है। हालांकि सारे जीव प्रभु के उपजाए होते हैं, सब राम की समान कृपा होती है, परंतु ये भी विधान है उस प्रभु का जिसे हुक्म भी कहते हैं, आदेश कहते हैं, जो किन्हीं जीवात्माओं पर उस प्रभु की करुणा में दृष्टि पड़ जाती है, चाहे कोई पापी हो, चाहे एक जीती या हाथी हो, कोई दुराचारी हो, अत्याचारी और अनाचारी हो, जब प्रभु अपनी करुणा में दृष्टि उसकी ओर डालते हैं तो उसे विभव सागर से पार उतार देते हैं। और भाव सागर से पार उतारने का अर्थ है इस माया के चक्र से बचा लेना, उस जीवात्मा को संयम में लाना, धर्म में दृढ़ता प्रदान करना। इस प्रकार से अंतर को निर्मल करते हुए प्रभु अपने स्वरूप का ज्ञान उसे प्रदान कर देते हैं। क्योंकि वास्तव में सर्व जीवों के अंतर में एक ज्योति विद्यमान है परमात्मा की, बस इतना फर्क है अंतःकरण मैला होने से जीव कहलाता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब जीव ही ब्रह्म रूप हो जाता है, इसे मोक्ष कहते हैं। जैसे एक लालटन की चिमनी है, शीशा है, वो मैला है, जब उसे साफ कर देते हैं तो प्रकाश प्रकट हो जाता है। मैला शीशा है तो प्रकाश प्रकट नहीं होता। इसी प्रकार से
चाहे वो ज्योति जल रही है, उस लालटेन के अंदर बत्ती जल रही है, परंतु प्रकाश नहीं। इसी तरह से हर अंतर में ज्योति है राम की, परंतु प्रकाश प्रकट नहीं हो रहा, और इस कारण से अंधकार में जीवात्माएं भटक रही है। तो गुरुमुखों और प्रेमियों, सत्यव्रत को भी प्रभु ने उसके गर्भ का निष्कासन करने के लिए अपना मत्स्य अवतार धारण करके ये बतलाया, तो आश्रय नहीं देने वाला, आश्रय दाता तो मैं हूं। क्योंकि उस मछली को जो उसने स्नान करते समय उस मछली के कहने पर के मुझे आश्रय दे दीजिए, तो कहते हैं तेरे जैसी तो लाखों करोड़ों मछलियों को मैं आश्रय अपने महल में दे सकता हूं। ले आए थे, परंतु जब आश्रय नहीं दे पाए, एक दरिया में ले गए, तो उसका आकार बढ़ जाता है। तब तो मछली रूप में प्रभु कहते हैं, यहां भी मेरा आकार पूरा नहीं आ रहा। तब उन्हें ज्ञान होता है ये साधारण मत्स्य नहीं है, कुछ दिव्य मत्स्य है ये। जब प्रभु का ये रंग देखा तो हाथ जोड़े नतमस्तक हो गए और कहते हैं, प्रभु अपने वास्तव रूप में आइए। मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं, मेरे गर्व के कारण जैसा कुछ हो रहा है, मेरी भूलों और भ्रमों का निवारण करने के लिए। तब से भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, सत्यव्रत तू आश्रयदाता नहीं, मैं इस सृष्टि में हर जीव का आश्रयदाता हूँ, और तुम ये नहीं जानते तेरे जीवन का आश्रयदाता भी मैं हूँ। अगर मैं प्रकाश नहीं करूँ तो तेरे जीवन का भी अंत हो जाए। तब सत्यव्रत चरणों में प्रणाम करते हैं, अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं, प्रभु आपने मुझे संभाल लिया, दया की, नहीं तो मैं गर्व के अंदर भटक रहा था।